हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीएमबी स्टडी टिप्स चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लुप्त संख्याओं को ज्ञात करना सीखेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको लुप्त संख्याओं को ज्ञात करना सिखाता हूँ। आप जो नीचे दिया गया रेड कलर में सब्सक्राइब के बटन को दबाइए। तुम्हारी पहली आकृति है, तो इसमें रिक्त स्थान दिया है। यहाँ यह रिक्त स्थान हमें भरना है। तो इसमें देखेंगे कि इसमें हम अनुमान लगाएं कि यहाँ दो कैसे आया। तो अगर हम 8 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15। 15 में से 13 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें 2। इसी प्रकार हम इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो 8 + 7 - 13, तो और 8 + 7 कितना हो गया 15। 15 में से 13 गया तो कितना बचेगा 2। 3 + 6, इसमें से कितना कम करना है हमें 5, तो -5। तो 3 और 6 कितना हो गया 9। 9 में से घटाएंगे 5 तो कितना प्राप्त होगा हमें 4। उसी प्रकार हम 4 1, तो 4 + 1 - 4, तो 4 1 कितना हो गया 5 - 4, तो 5 में से 4 गया तो कितना प्राप्त होगा हमें 1। तो इसका उत्तर क्या रहेगा, 1 रहेगा। ये हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों, हमारी नेक्स्ट आकृति है, तो इसमें अभी हमें रिक्त स्थान भरना है। तो सबसे पहले हम इसमें देखें कि यहाँ 120 कैसे आया। तो अगर 6 से और 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 30। 30 से और 4 से गुणा करेंगे तो 120। अगर हम 6 से और 7 से गुणा करेंगे तो 42, और 42 से 3 से गुणा करेंगे तो 126। इसी प्रकार हम इसको भरेंगे। तो 6 × 5 × 4 तो कितना प्राप्त हो रहा है हमें 120। अगर 6 × 7 × 3 तो 7 × 42, 42 से 3 से गुणा करेंगे तो 126। उसी प्रकार हमारी संख्या क्या दी है 8 × 5। यहाँ रिक्त स्थान है, वहाँ x मान लेंगे, तो × x = कितना प्राप्त हो रहा है 320। तो इनका गुणा करेंगे 48, तो 40x = 320। हमें किसका मान चाहिए x का, तो 40 के समय भाग दे देंगे। x = 320/40, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 4 का भाग 32 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है 8 बार। तो x का मान क्या निकल के आया 8, तो हमारा आंसर क्या रहेगा 8। तो हमारा आंसर क्या रहेगा 8, ये हमारा आंसर है। तो दोस्तों, हमारी नेक्स्ट आकृति है, तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ 4 कैसे आया, क्योंकि यहाँ हमें यह रिक्त स्थान भरना है। तो अगर हम 5 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 8। 8 में 2 का भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा 4। अगर हम 6 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 14। 14 में 2 का भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा 7। तो 3 + 5 कितना हो रहा है 8। 8 में हमें 2 का भाग देना है तो कितना प्राप्त हो रहा है हमें 4। इसी प्रकार हम 6 + 8 इनको जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो रहा है हमें 14। 14 में 2 का भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा 7। इसी प्रकार हमारी संख्याएं 8 और 4 इनको जोड़ेंगे तो 8 + 4 तो कितना हो जाएगा 12। 12 में हम 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जा रहा है 6 बार। तो इस रिक्त स्थान में क्या भराइएगा 6। तो 6 हमारा क्या है आंसर है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। तो दोस्तों, हमारी नेक्स्ट आकृति है, तो इसमें हम देखें कि यहाँ 21 कैसे आया। तो दोस्तों, अगर हम 4 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 16, और 2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 4, और इनको जोड़ देंगे तो 20, और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होता है, तो 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21। इसी प्रकार हम 5 का वर्ग करेंगे तो 25, और 3 का वर्ग करेंगे तो 9, और प्लस उसमें 8 का वर्ग करेंगे तो 64, इनको जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो रहा है 98। तो इसी प्रकार हम इस सवाल का आंसर निकालेंगे। तो 4 का वर्ग क्या होता है 16 + 2 का वर्ग + 1 का वर्ग। तो 4 का वर्ग 16 2 का वर्ग 4 1 का वर्ग 1, तो कितना हो रहा है ये 21। इसी प्रकार हम 5 का वर्ग + 3 का वर्ग + 8 का वर्ग करेंगे। तो 5 का वर्ग कितना होता है 25 + 3 का वर्ग कितना होता है 9 + 8 का वर्ग कितना होता है 64। तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है
98। तो हमें क्या बताना है, ये रिक्त स्थान भरना है। तो इसी प्रकार हम 6 का वर्ग करेंगे प्लस 7 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। तो 6 का वर्ग कितना होता है 36 प्लस 7 का वर्ग कितना होता है 49 प्लस और 3 का वर्ग कितना होता है 9। जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 94। तो 94 हमारा क्या है आंसर है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा, चौथा ऑप्शन हमारा सही है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।